राइटर एक्टर फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान ने कहा कि उनके बेटे सलमान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया उनकी माफी की कोई वजह ही नहीं है लगातार धमकियां मिलती रही इससे हमारी आजादी छीन गई। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बाद सलीम खान ने शनिवार को एक इंटरव्यू में बात कही एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दगी की मुंबई में बारह अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के मेंबर ने लिखा था सलमान खान की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है लॉरेंस गैंग चाहता है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान राजस्थान के बिश्नोई समाज से माफी मांग ले काला हिरण शिकार केस अक्टूबर उन्नीस में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था तब वहाँ फिल्म हम साथ, साथ की शूटिंग चल रही थी सलीम खान ने कहा सलमान को मिल रही ये धमकियां जबरन वसूली के अलावा कुछ और नहीं है सलमान किससे माफी मांगे आपने कितने लोगों से माफी मांगी है कितने जानवरों की आपने जान बचाई है माफी भी उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो जिसके पैसे खा गए हों ये तो एक्सटॉर्शन है उन्होंने कहा सलमान ने क्या कोई गुनाह किया है आपने देखा है आपको मालूम है आपने जांच पड़ताल की है हमने तो कभी बंदूक भी इस्तेमाल नहीं की सलमान ने कहा था मैं तो था भी नहीं उस टाइम उसको नहीं शोक जानवर मारने का वो जानवरों से मोहब्बत करता है राइटर ने कहा पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए सब कर रही है हमें उनकी बात माननी पड़ रही है लगातार मिल रही धमकियों के चलते हमारी आजादी थोड़ी सी कम हो गई है बाबा सिद्दिकी की हत्या का सलमान से कोई कनेक्शन नहीं बाबा सिद्दिकी की हत्या प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई है बाबा सिद्दकी के मर्डर के छह दिन बाद अठारह अक्टूबर को सलमान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग के मेंबर बताया है यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है इस मैसेज में लिखा था इसे हल्के में मत लीजिए सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे पांच करोड़ रुपए देने होंगे अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सलमान ने हाल ही में एक नई बुलेट प्रूफ कार खरीदी है दावा किया गया है कि उन्होंने दुबई से दो करोड़ की निशान पेट्रोल एस इंपोर्ट करवाई है सलमान के पास इससे पहले एक लैंड क्रूजर और निशान पेट्रोल थी इसी के साथ राजनामा टीवी के साथ